खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। यहां बता दें कि देर रात एक बस दिल्ली से बिहार जा रही थी, तभी फिरोजाबाद के पास उसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि बस में करीब 54 लोग सवार थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना भी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। दिल्ली से आ रहे थे हम लोग। एक्सीडेंट हुआ कहाँ हुआ है सर? आगरा के आसपास में हुआ है, ठीक है। उतना तो जगह का पता नहीं है, मगर यहाँ जो भी हुआ है वो बहुत खतरनाक हुआ है जी। हम लोग तो दिल्ली से आ रहे थे। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये आगरा के अगल बगल में हुआ है, हमको तो उतना पता नहीं है। लगभग कितने लोग इस बस में सवार थे आप? लगभग 50 आदमी जी। हम लोग तो स्लीपर में ऊपर थे, जब एक्सीडेंट हुई तो हम लोगों को उस ट्रक पर फेंक दिया। हम लोग पता नहीं, हम लोग तो केबिन में थे। अब पता नहीं, एक बैग जब लग के आई ना तो हम लोग तो कहे कि अरे क्या हो गया। तब हम लोग देखे तो ये पूरी ठुकी हुई थी, ये जो 18 चक्का का टेलारी है उसमें। तो इसमें लगभग कितने लोगों की दुर्घटना हुई? कितने? आप अकेले थे, आपका परिवार साथ था? नहीं, हमारे ये तीनों बंदे, हम एक ही साथ थे। सारे लोग सुरक्षित बचे? हाँ, हम लोग तीनों सही है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, एक बड़ा ट्राला है, उसमें कुछ खराबी आई तो वो साइड में वो खड़ा था, जिस पर ये बस चालक संभवतः देख नहीं पाया और उसने ड्राइवर साइड से आके पूरा बस को उसमें रैम कर दिया और उसमें काफ़ी बस जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई और उसमें काफ़ी सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो भी इसमें घायल हैं उनको तत्काल जो है यहाँ से सैफई मिनी पीजीआई में रेफर किया गया, उनको अन्य जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ भी व्यवस्था कराई गई। फिलहाल ज़्यादा संख्या जो है लोगों की घायल।